आज हम जानने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है सोलर सेल्स में। ठीक है, आपने सोलर सेल का नाम सुना होगा कि ऐसा सेल जो सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हो, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हो। ठीक है, तो वो जिस फंक्शन पर काम करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ इसको, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइट की, यानी कि सनलाइट की, सनलाइट को अगर हम किसी मेटल पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस मेटल पर डालने पर वहाँ से एक संभावना बनती है कि इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाए, और अगर उन सभी इलेक्ट्रॉन को हम कलेक्ट कर लें तो वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, यानी किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसको चार्ज को अपन बोलेंगे कि चार्ज Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो होता क्या है वास्तव में कि वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से अगर निकलने लग जाए लाइट के पड़ने पर, ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है कि वैन लाइट अब लाइट को मैं जनरलाइज कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या रे बोल देता हूँ, फॉल्स ऑन ए मटेरियल, फॉल्स ऑन ए सब्सटेंस। अब मैं सब्सटेंस जो है ये मैं बोल रहा हूँ कि सब्सटेंस मेनली कौन सा होना चाहिए, मेटल। ठीक है, मेटल ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि मेटल की खासियत ही यही है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मैं नॉन मेटल और मेटल में फ़र्क क्या है बेसिक, कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नॉन मेटल नहीं दे सकते। जैसे कि आयरन वगैरह है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, लूजली बाउंड होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सब्सटेंस मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। ठीक है, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप समझ गए, सिंपल वर्ड है, सिंपल डेफिनेशन है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकला, दिस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये लाइट यहाँ पे गिरी, ठीक है ना, और ये यहाँ से सपोज कीजिए हमने एक कंपाउंड रखा हुआ था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और हमने यहाँ पर रिसीवर रख दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो वी कैन प्रोड्यूस करंट, इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही गए हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना और उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल टर्म्स में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ लाइट इज कमिंग। ठीक है, अब वास्तव में ये जो लाइट है क्या ये इस तरीके से आ रही है कंटिन्यूसली, नहीं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये बोलता है कि एनर्जी का जो रेडिएशन आता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आता है, और ये एक स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी हम क्या नाम दे देते हैं, क्वांटा। इस क्वांटा की एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो गया, hv। तो हम इस पैकेट ऑफ एनर्जी के बारे में बात करें कि सपोज कीजिए कि ये एक जो है क्वांटा यहाँ पर आया एक मेटल सरफेस पे, ठीक है, ये यहाँ पर हमने मेटल सरफेस लिया हुआ है। अब ये क्वांटा जो आ रहा है वास्तव में क्या है, ये एक वेव है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू कितनी लिख दी मैंने, hv। अब मेटल में जो एटम्स है, अगर मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक लेवल पे, तो मेटल में एक न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर्ड है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी ओर खींच रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है, अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालना है, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिया, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए जो न्यूक्लियस के फोर्स से बंधा हुआ है उसको तोड़ना आवश्यक है। ठीक है, अब इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ पे कुछ एनर्जी इसको दे रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी देंगे वो इसको तोड़ने में काम आएगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमने ये बोला, एक चीज़ में डिफाइन कर रहा हूँ वर्क फंक्शन, ये क्या होता है w, इट इज मिनिमम एनर्जी
required to eject electron from a surface, from a substance. अब यहाँ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि वर्क फंक्शन और आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, कि आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में क्या फ़र्क है, बता देता हूँ मैं यहाँ पे. आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट करने के, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बाहर, लेकिन हम निकालते हैं अकेले आइसोलेटेड एटम से, सिंगल एटम से. ठीक है, सिंगल एटम से जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. लेकिन वर्क फंक्शन में, और ये किस स्टेट में होना चाहिए, गैस स्टेट में, लेकिन जो वर्क फंक्शन है ये एक तरह से एवरेज है. इसमें मेटल सरफेस है, ये सॉलिड मेटल है, और इस सॉलिड से इलेक्ट्रॉन हम डिफरेंट एटम से निकाल रहे हैं, हो सकता है सब में एनर्जी थोड़ी अलग हो मैग्नीट्यूड में. ठीक है, तो हम उसका एवरेज निकाल के एक जो मिनिमम एनर्जी है उसको हम वर्क फंक्शन का नाम देंगे. ठीक है, तो अपन सारे एटम ले लें, है ना, उसमें उनमें एक उस मेटल के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में हम सॉलिड जो मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है उसको हम वर्क फंक्शन का नाम देंगे. फर्क समझ आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी में सिंगल एटम से एनर्जी निकालना है, और वर्क फंक्शन में पूरे एक सब्सटेंस जिसमें लाखों करोड़ों एटम है उससे एनर्जी निकालनी है. ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है. ठीक, तो अब हमने कहा कि एनर्जी कुछ देनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहा था, हमने इसको एनर्जी दी फोटोन की टर्म्स में. ये फोटोन आ रहा है और ये फोटोन मैंने वेव की फॉर्म में बनाया है. मान लो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये फोटोन गिरा इस पर, इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर निकाल दिया. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि इसको मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए थी टूटने के लिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए थी W, और W बराबर H म्यू नॉट, H प्लैंक कांस्टेंट है. ठीक है, म्यू नॉट क्या है, इसको बोलते हैं अपन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ये मिनिमम जो है फ्रीक्वेंसी चाहिए. तो मुझे हर सब्सटेंस के बारे में ये पता लग गया कि एक मिनिमम एनर्जी चाहिए W, जो एच म्यू नॉट के बराबर है. अब इसको निकालने के लिए जो इनकमिंग फोटोन है, एक इनकमिंग फोटोन आ रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू. तो जाहिर सी बात है कि जब E ग्रेटर देन W होगा तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा. आने वाली एनर्जी, जैसे मान लो मुझे किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए मुझे मान लीजिए 15 जो है वो जूल चाहिए. ठीक है, अगर मैं 15 जूल फोर्स से, 15 जूल एनर्जी से कम एनर्जी दूंगा तो ये नहीं टूटेगा, जाहिर सी बात है. मिनिमम जो चाहिए उससे कम देंगे तो नहीं होगा, और अगर मिनिमम जितनी चाहिए उससे ज़्यादा देंगे तो वो चीज़ हो जाएगी. तो आने वाले फोटोन की एनर्जी अगर मिनिमम जितनी रिक्वायर्ड है वर्क फंक्शन में उससे ज़्यादा हुई तो वो चीज़ हो सकती है. तो E अगर W से बड़ा हुआ, W ये मिनिमम एनर्जी है और ये सप्लाइड एनर्जी है जो फोटोन लेके आ रहा है, अगर ये ज़्यादा हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये ज़्यादा है एनर्जी आ रही तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा लगता है. ठीक है, यानी कि जो बचेगी एनर्जी, रेस्ट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बची हुई एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन को ही मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी ई आई, उसका कुछ पार्ट खर्च हुआ डब्लू, और बचा हुआ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक. दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बिल्कुल सही तरीके समझ जाइएगा, ये इनकमिंग एनर्जी है जो फोटोन लेके आ रहा है, ये वर्क फंक्शन है जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, और ये काइनेटिक एनर्जी, इसको हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा एनर्जी मिल नहीं सकती. ठीक है, तो E इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसको लिख देता हूँ E की जगह H म्यू, वर्क फंक्शन की जगह H म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख देता हूँ. तो अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो वो हो जाएगी H म्यू माइनस म्यू नॉट. ये मुझे पता लग गया फार्मूला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब होता यह है कि अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है,
ठीक है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वी से। ठीक है, अच्छा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जहाँ पे वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन सामने आ रहा है और यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव प्लेट रख दूँ, ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और फाइनली एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो जिस पोटेंशियल पे अगर मैं जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकला एटम से और हमने इसकी वेलोसिटी फाइनली जीरो कर दी, ठीक है, कैसे कर दी कि यहाँ पोटेंशियल वी लगा दिया। ठीक है, तो इसी वी को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि इट इज पोटेंशियल रिक्वायर्ड, इट इज पोटेंशियल अप्लाइड सो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बिकम्स जीरो। ये समझ गया बात आपको कि ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी वेलोसिटी अगर जीरो हो जाए तो उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं हम। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। मैं इस फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी को भी लिख सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, या मैं इसको ई वी भी लिख सकता हूँ। यहाँ वी जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इसको अपन जो है एक क्वेश्चन की हेल्प से कर रहे हैं, क्वेश्चन की हेल्प से ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक चीज़ की कि लाइट हैविंग वेवलेंथ एज 310 नैनोमीटर फॉल्स ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन समझ रहे हैं क्या है, मिनिमम जो चाहिए अपन को वो, तो मिनिमम वर्क फंक्शन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतना एनर्जी आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहला पार्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो सीधा करेंगे कि वर्क फंक्शन W इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में चेंज कर लूँगा, 1.5 इंटू 1.602 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, जूल में कन्वर्ट कर लिया एनर्जी को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इज इक्वल टू एच म्यू, एच की वैल्यू रख देंगे 6.6 10 की पावर -34 और ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट जो है वो अपन जो भी आंसर लिखेंगे वो आंसर किस में लिख देंगे, सेकेंड इनवर्स में, फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स। ये तो आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो कैसे निकालते हैं कि हमारे पास जो फोटोन आ रहा है, इनकमिंग फोटोन, उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू या एच सी अपॉन लैम्डा लिखेंगे। हमने ये शॉर्टकट देखा था कि E इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख दूँ 12400 अपॉन लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग और ये आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले जो इनकमिंग फोटोन है इसका लैम्डा था 310 नैनोमीटर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 नैनोमीटर आपको पता है 10 की पावर -9 मीटर और 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, इसका मतलब 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया 3100 एमस्ट्रॉन्ग, इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो एनर्जी इनकमिंग फोटोन की 12400 अपॉन 3100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सोल्व करेंगे अगर अपन इसे, तो ये चीज़ आ जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और वर्क फंक्शन कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आने वाली एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिनिमम चाहिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकल सकता है। ठीक है, निकल सकता है, तो निकालने के बाद जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E माइनस W इज इक्वल टू 2.4
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें से ये माइनस कर देंगे अपन तो अपन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी कंजर्वेशन से वो पता लगे। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अपना निकला था 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं इसको जूल में चेंज कर लूँ, 10^-19 जूल बराबर हाफ एम, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10^-31 इंटू वी स्क्वायर। अब वी जो है आप यहाँ से निकाल लेंगे और यूनिट है इसकी आएगी मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि एम के इस यूनिट में सोल्व कर रहे हैं। और नेक्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपने एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है ऑलरेडी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसमें से ई हटा दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी से लिखते हैं तो क्यू इंटू वी लिखते हैं, आप ई सीधा हटा दो और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ध्यान देना इस बात पे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा लिखेंगे 2.5 वोल्ट, मतलब ई हटा के सीधा आंसर ही आ गया। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा, ये एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कि जो सोलर सेल होता है वो सोलर सेल इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि सोलर सेल में इस तरीके से मेटल लगा होता है, यहाँ लाइट आती है सनलाइट, ठीक है, और सनलाइट आके एक रिसीवर लगाया जाता है, वो रिसीवर इन इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट करता है, या कलेक्टर बोल दें अपन, तो वो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है और फिर उससे एक सर्किट कंप्लीट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।